Hello friends, welcome to Cracknecks, a step towards free education for all. Today we are going to discuss about the language bill of 2020, which is regarding Jammu and Kashmir. तो आइए देखते हैं इस टॉपिक में क्या है. तो जम्मू एंड कश्मीर के लैंग्वेज बिल में हिंदी, कश्मीरी एंड डोगरी लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया है एंड इट बिकम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू कश्मीर. ऐसा क्यों, किसने किया और क्यों किया, वो हम लोग इस पूरे टॉपिक में देखेंगे. देखिए, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर का उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है. तो अब उर्दू था और इंग्लिश को भी रखा था, तो अब लोगों ने क्या किया, एक बिल लाने की कोशिश की है जो मानसून सीजन में आएगा इस साल में, और हिंदी, कश्मीरी एंड डोगरी को बिकम ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू कश्मीर. आगे देखते हैं, पहले हम लोग वहाँ के बारे में कुछ जान लेते हैं. जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको हर एग्ज़ाम में पूछेगा, जैसे कि जम्मू कश्मीर का लोकेशन, जम्मू कश्मीर का बाउंड्रीज किस किस कंट्री से लगता है, जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 का एप्लीकेशन, ये सारे टॉपिक को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा. बट टुडे वी आर फोकसिंग ऑन द लैंग्वेज पार्ट, सो लैंग्वेज के बारे में जानते हैं. देखिए, हम लोग यहाँ कश्मीरी की, देखिए कश्मीरी 34.64, ठीक है, और ये डोगरी हो गया 17.99, ये गुर्जरी है, ठीक है, जो गुर्जर लोग होते हैं उनका लैंग्वेज है इसी तरह से. बट यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, हिंदी बहुत कम है, मतलब हिंदी को यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया गया है, ठीक है. तो हम लोगों ने ऑफिशियल लैंग्वेज में हिंदी को डाल दिया है, ये वहाँ के मिनिस्टर्स ने और हमारे प्रधानमंत्री ने भी ये बोला है कि ये ऐसा इसलिए वजह से हुआ कि पब्लिक डिमांड है कि वहाँ पे जोड़ा जाए. और क्या ग्राउंड रियलिटी और क्या है वो हम लोग देखते हैं, प्रोटेस्ट से हमें पता चलेगा कहाँ पे कैसा प्रोटेस्ट हो रहा. देखो, प्रधानमंत्री के अंडर जो हमारा कैबिनेट होता है, उनके द्वारा हेडेड, वी कैन से दैट ना, प्रधानमंत्री द्वारा हेडेड, नरेंद्र मोदी के द्वारा हेडेड, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, लैंग्वेज भी लाया, जिसमें पाँच लैंग्वेज तो आप इसको देख सकते हैं. देखिए, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, उर्दू आपको याद होगा, हिंदी आपको पता होगा एंड इंग्लिश पता होगा, ठीक है. कश्मीर की बात हो रही तो कश्मीरी एंड एक डोगरी बच गया, तो बस आप ये याद रख लो, डोगरी, ठीक है. उर्दू, हिंदी, कश्मीरी एंड इंग्लिश, डोगरी, हो गया पांच लैंग्वेज. इन पांच लैंग्वेज को वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, ठीक है. देखिए, उर्दू सबसे पहले वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया गया था कब, 1889 में, और उर्दू में 59 न्यूज़पेपर वहाँ पे आते हैं जम्मू कश्मीर में. यू कैन इमेजिन ना कितना बड़ा है ये, 59 न्यूज़ उर्दू न्यूज़पेपर एंड 29 सब डिवीज़न में, मतलब 29 डिवीज़न में 59 न्यूज़पेपर आते हैं उर्दू में, मतलब उर्दू बोलने वाले की संख्या वहाँ काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए उर्दू को वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज रखा गया है, ठीक है. तो हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने बोला है, उनकी उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि यू हैव डिसाइडेड दैट टू इंट्रोड्यूस जम्मू कश्मीर लैंग्वेज बिल, ठीक है, और उन्होंने इनके बारे में बोला है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, ये उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ठीक है. तो ये देखिए, डोगरी लैंग्वेज ऐसा होता है, और ये सब तो लैंग्वेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमें, और हमें पता भी नहीं है डोगरी एंड कश्मीरी, बट हाँ हिंदी, इंग्लिश, उर्दू तो बहुत ज़्यादा बोला जाता है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास अगर रहेगा तो दैट विल बी बेटर, समझ गए. आगे देखिए, इसमें क्या हुआ कि जैसे कि हमारा 5 अगस्त को आपको पता है आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था, तो इसका हमने बहुत अच्छा वीडियो बनाया, काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाया, तो आप देख लीजिएगा, आई बटन में आपको मिल जाएगा आर्टिकल 370 का, और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. तो आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन पे काफ़ी अच्छा वीडियो बनाया हम लोगों ने, सारे पॉइंट्स को इंक्लूड किया, किसी भी पॉइंट को नहीं मिस किया. कहीं पे किसी वीडियो में कुछ पॉइंट रहता है, कुछ नहीं रहता, बट हमने सारे पॉइंट को कंक्लूड किया, ठीक है. तो ये होगी बात, आईबी मिनिस्टर ने क्या बोला कि हमने बिल लाया, पार्लियामेंट में लाएंगे और इसको बनाएंगे ऑफिशियल लैंग्वेज. तो चलो, अच्छी ही बात है, जम्मू कश्मीर का भी विकास हो रहा है, एक साल में कुछ तो हुआ है. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि कुछ क्रिटिसिज्म भी हुए हैं, ठीक है. तो कुछ क्रिटिसिज्म में क्या होगा, देखो, सिख लोग वहाँ पे 4.06 लाख हैं, ठीक है. तो अब ये बोल रहे हैं कि हमारे लैंग्वेज को, पंजाबी को वहाँ पे वैल्यू नहीं दिया गया, 2.3 जबकि बोला जाता है, तो इस वजह से. और इनके लोकल लीडर ने क्या बोला है कि कोरोना की वजह से हम लोग ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि पंजाबी को भी इंक्लूड किया जाए, ठीक है. तो ये सिख कम्युनिटी का डिमांड है. उसके बाद देखो, उसके बाद क्या बोल रहा है कि और सेवरल क्रिटिसिज्म आया, बहुत जगह से बहुत सारा क्रिटिसिज्म आया, ठीक है. तो मतलब कि आप एक प्रोटेस्ट टाइप का छोटा मोटा ये प्रोटेस्ट भी हो रहा है कि हमारे लैंग्वेज को नहीं वैल्यू दिया गया, हमारे लैंग्वेज को वैल्यू नहीं दिया गया इस टाइप से. अब ये मैंने पहले आपको पॉइंट बताया कि मानसून सीजन में ये आएगा और इसको हम लोग पूरा फुलफिल करेंगे,
और ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो और क्रिटिसिज्म की जहाँ बात है, जो लोग रेगुलरली बोल रहे हैं कि हमारी लैंग्वेज को जोड़ा जाए, हमारी लैंग्वेज को जोड़ा जाए, उसमें देखिए पॉलिटिकल लीडर का काफ़ी इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो अब आपको पता ही है जाट और गुजर के बारे में, तो गुजरी लैंग्वेज को इंक्लूड करने की बात की गई कि वहाँ बोला भी जाता है और इस टाइप का भी है, तो उन्होंने भी बोला है प्रोटेस्ट का, मतलब धमकी दिया है कि हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, हमारी लैंग्वेज को नहीं इंक्लूड किया गया, हमारी लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए। और कुछ लोगों का ये कहना है कि हिंदी तो ज़्यादा बोला भी नहीं जाता है, ठीक है, हिंदी तो बहुत कम बोला जाता है, नॉट इवन लोकली स्पीकन, लोकली भी नहीं बोला जाता है, तो हिंदी को क्यों ऑफिशियल लैंग्वेज में रखा गया है। तो हिंदी का यहाँ पे पॉइंट थोड़ा सा कमज़ोर बन रहा है, बट हमारा राष्ट्र की एकता की बात है, इसलिए मेरे पॉइंट ऑफ, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये बोलता है कि हाँ हिंदी रहना चाहिए। बट बाकी लोगों का जो पंजाब वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के लोकल लीडर हैं, जो उर्दू को ज़्यादा वैल्यू देते हैं या जो इन्फ्लुएंस है, जो हिंदी को थोड़ा नहीं लाइक करते हैं, वो बोल रहे हैं कि हिंदी तो उतना लोकली बोला भी नहीं जाता है, तो आप हिंदी को इतना क्यों वैल्यू दे रहे हैं, तो अदर लैंग्वेज है उन सबको वैल्यू दीजिए, पहाड़ी है, गोरी है, पंजाबी है, तो इन सबको दीजिए, हिंदी को थोड़ा सा कम वैल्यू देंगे। इस टाइप का वहाँ पर फीलिंग एक जनरेट हो रहा है रिगार्डिंग दिस लैंग्वेज बिल, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखिए उन्होंने क्या बोला है कि उर्दू को जो मेन ऑफिशियल लैंग्वेज तो है, बट उर्दू को काफ़ी नेग्लेक्ट किया जा रहा है, वहाँ के जो उर्दू स्पीकिंग, जैसे उर्दू के कुछ प्रोफेसर हो गए किसी कॉलेज इंस्टीट्यूट के, उन लोगों का अलग अलग अगर बयान लिया गया, तो उन्होंने इस टाइप का स्टेटमेंट दिया है कि देखो, पहली बात तो आपने उर्दू को कम वैल्यू दिया, मतलब उनके हिसाब से उर्दू को ये डिग्रेड करने की कोशिश की जा रही है इन लैंग्वेज बिल से, उर्दू को नेग्लेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, जबकि उनका तर्क ये है कि उर्दू तो वर्ल्ड वाइड बोला जाता है और बहुत रिच उसमें ये है, तो मतलब उसका लिटरेचर भी रिच है, इस तरह से उन लोगों ने अपना तर्क दिया है। उन्होंने ये बोला कि जब आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें भी उर्दू का कहीं जिक्र नहीं किया आपने, उसमें भी उर्दू को कोई वैल्यू नहीं दिया गया। देखो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी वीडियो हम लोगों ने बनाया है, ठीक है, और जिस हिसाब से हमारा व्यू जा रहा है, तो मतलब कि अभी तो ज़्यादा नहीं जा रहा, हमारा चैनल नया है, बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी को काफ़ी व्यू मिला और अच्छा रिमार्क्स है, तो आप उसे देख सकते हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छे कंटेंट डाला है, जैसे आर्टिकल 370 वाला वीडियो है, वो काफ़ी अच्छा बनाया हम लोगों ने, उसके बाद ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वो वीडियो भी काफ़ी अच्छा बनाया, उसके बाद ज्योग्राफी ऑप्शनल का जो वीडियो है, आप देखेंगे कि यूट्यूब में जितना भी कंटेंट है ना, आप किसी भी वीडियो को उठा कर देखना, दैट इज़ बेटर दैन, मतलब उन लोग के वीडियो से हमारा वीडियो काफ़ी अच्छा है। आप एक बार किसी कभी कोई वीडियो को देख के ऑब्जर्व करने की कोशिश करना, तो हम लोगों ने ज़्यादा कंटेंट डाला है, और एक बाकी और जो यूट्यूबर्स हैं जो उनका वीडियो है उनके हिसाब से जो है, तो उन लोग भी काफ़ी मेहनत करते हैं, बट हम लोग क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा और कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा इन्हांस करने की, हम लोग नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, नोट्स के टाइप का। तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आप हमारा वीडियो ही देखें, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें भी आपने उर्दू को वैल्यू नहीं दिया। उसके बाद स्टेप टुवर्ड्स एलिमिनेटिंग द, और इन्होंने ये मतलब वहाँ के लोगों में जो एक फीलिंग जैसा आ गया कि नहीं, आप उर्दू को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो एक वहाँ पे प्रोटेस्ट का माहौल है, बट अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है कोरोना की वजह से, फिर लेट्स सी देखते हैं क्या होता है, बट हम लोग तो यही होप कर रहे हैं कि हिंदी को इंक्लूड किया जाए, और गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बना रही है वो ठीक ही बना रही है रिगार्डिंग जम्मू कश्मीर, अभी तक तो ठीक ही लग रहा है, देश को लोगों ने काफ़ी समर्थन किया है, तो आई होप दिस स्टेप विल बी ऑल्सो बेटर। तो आज के वीडियो में हमारा इतना ही है, आप क्या इस लैंग्वेज बिल के बारे में जानते हैं, अगर हमसे कुछ पॉइंट छूट गया तो प्लीज़ आप हमें पॉइंट आउट कीजिए, और कुछ और आप नया वीडियो चाहते हैं, जैसे आर्टिकल 370 पे हमने बनाया, या इस टाइप का कुछ और नया वीडियोज़ चाहते हैं किसी भी टॉपिक पे, तो आप हमें कमेंट करके बोल सकते हैं, वी विल ट्राई टू मेक वीडियोज़ इन सिंपल एंड बेटर वे दैन अदर वीडियोज़ विच इज़ ऑलरेडी अवेलेबल ऑन यूट्यूब, ठीक है। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी कमेंट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप हमें इस नंबर पर सपोर्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू, आपने इतना वैल्यूएबल टाइम दिया, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।